फरीदाबाद के गांव अनंगपुर में महाराजा अनंगपाल की छतरी के हजारों वर्ष पुराने पत्थर मिलने से स्थानीय लोगों में नई उमंग जाग उठी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुराने पत्थर मिलने से अब यहां आम लोगों के लिए पर्यटन स्थल बनेगा, जिसमें महाराज अनंगपाल के इतिहास को दोबारा से लोगों के समक्ष रखा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश से 6 बार से सांसद व भारतीय कुश्ती राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरद सिंह भी इस इलाके का दौरा करने आए थे। पूरे देश को ये बताया जा रहा है कि दिल्ली मुगलों ने बसाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाई, जबकि ऐतिहासिक तथ्य और पुरातत्व के जो साक्ष्य लगातार मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली अनंगदेव जी ने बसाई और मुसलमानों के 100-150 वर्ष पहले बसाई, और ये ऐतिहासिक पुरातत्व के जो दस्तावेज हैं उससे साबित हो रहा है। और अभी एक दिल्ली के अंदर एक सेमिनार हुआ था और जिसमें हमको ये बताया गया था, तो आज हम वही देखने के लिए आए हैं। और मुझे खुशी है कि इस स्थान को भारत सरकार ने जो है ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया है, और हम चाहते हैं कि इतिहास के पुस्तकों में भी सुधार हो। वहीं सांसद बृजभूषण ने कहा कि देश के इतिहास में काफी कुछ चीजों का बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उजागर नहीं की गई हैं, और उन महान लोगों का संघर्ष भी याद रखने की जरूरत है जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान को न्योछावर किया। नहीं, यहाँ पे जो आज महाराजा अनंगपाल तोमर जी की द्वितीय जो अपने 1000 वर्ष पहले उनके उन्होंने राज किया था, उनके यहाँ पे अवशेष मिले हैं, उनकी मूर्तियाँ मिली हैं, महारानी की जी की छतरी मिली है। इसी संदर्भ में पिछले हफ्ते जो है पुरातत्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारत सरकार जो सारा ये मामला देखते हैं वो आए थे, उन्होंने सारा इसमें सुपरविजन किया था। और आज स्वयं एमपी साहब बृजभूषण शरण सिंह जी वो ओलंपिक संघ के कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सारा इसका अनंगपुर गांव भी गए, ऊपर पहाड़ी पर गए, उन्होंने सारा दौरा किया, सारे उनके निशान देखे, छतरी देखी, गुम्बद देखे। तो ये सारा कुछ जो चिन्हित हुए हैं सारे कुछ, इसके लिए भारत सरकार के पास सारे दस्तावेज जाएंगे, इन दस्तावेजों में गहनता से विचार करके और इस पर भारत सरकार फैसला करेगी। आपको बता दें कि सांसद आनंगपुर गांव में दिल्ली के संस्थापक महाराजा अनंगपाल के द्वितीय किले और झील का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने किले का निरीक्षण कर जल्द ही यहां पर्यटक स्थल बनाने की उम्मीद जताई। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।